ये है होंडा एलिवेट का फ्रंट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि होंडा ने अपने सिग्नेचर क्रोम का यूज़ किया है और यहाँ पर आपको ग्रिल्स में थोड़े वेंट्स दिखाई देते हैं और उसी के बीचों बीच यहाँ पर होंडा का लोगो दिखाई देता है। साइड में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको DRS दिखते हैं और उसी के साथ आपको यहाँ पर LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लीक हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। आप फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प्स मिलते हैं जो एक ब्लैक हाउसिंग के अंदर अवेलेबल हैं और उसी के ऊपर यहाँ पर एक क्रोम हॉरिजॉन्टल लाइन दी गई है। रियर में हम बात करें तो यहाँ पर टेल LED हेडलाइट्स आपको मिल जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अगेन स्लीक हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लिम बनाई गई हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसी के साथ आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको दिया जाता है, उसी के साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो भी आपको यहाँ पर मिलता है। रियर में ओवरऑल बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी है, स्लीक इसके टेल लैम्प्स हैं, स्लीक हेडलाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसी के बाद हम कैबिन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 7 इंचीज़ का TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन, जिसमें ट्रिप मीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, फ्यूल कंजप्शन सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ टैन फिनिश के साथ ये इंटीरियर अवेलेबल है जिसमें आपको सनरूफ भी मिलता है। सीट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पर बनाई गई हैं। स्टिचिंग इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसी के साथ आर्मरेस्ट यहाँ पर मिल सकता है, छोटे से आपको स्टोरेज के साथ यहाँ पर आर्मरेस्ट मिलेगा। पीछे की बात करें तो यहाँ पर AC वेंट्स दिए गए हैं, स्टोरेज स्पेस है, साइड डोर्स में अवेलेबल है, आइसोफिक्स यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर भी आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया जाता है। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो गाड़ी का बूट स्पेस है 458 लीटर का, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा बूट स्पेस यहाँ पर होंडा ने इस SUV में प्रोवाइड करवाया है। इसके पूरे अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4312 मिलीमीटर इसकी लेंथ आपको मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm आपको दिया जाता है जो ज़्यादा नहीं है। विड्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1790 मिलीमीटर का विड्थ मिल जाता है। गाड़ी की हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, गाड़ी की हाइट की अगर बात करें तो इट्स 1650 मिलीमीटर आपको मिल जाती है। अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, 17 इंचीज़ के अलॉय व्हील्स मिलते हैं और यहाँ पर आपको साइड मिरर में भी कैमरा और सेंसर अवेलेबल हैं। बात करें गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की तो यहाँ पर आपको ADAS भी मिल जाता है।